क्या बताएंगे क्या हुआ था? सर मेरे जो भाई की बेटी है वो 3 दिन पहले उसकी कोई फ्रेंड आई थी घर पे, उसका जो भी नाम था ठीक है सर, वो घर पे आई 6 साल बाद। और मेरे भाई की बेटी ने सोचा भाई जो लड़की आई है फ्रेंड आई है, उन्होंने कपड़े वपड़े घर में बदले हैं, और कपड़े बदलने के बाद 8:30 बजे से लेके वो बाहर रह गए दोनों ठीक है सर। और हम उसके बाद मेरे ब्रदर ने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, भाई लड़की कहाँ कैसे है मुझे नहीं बताया। और अगले दिन सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया, कहता बेटी घर पे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी, किसी फ्रेंड के घर में होगी। बट जब हमें पता लगा कि एक संजना नाम की लड़की उसके साथ थी, वो 6 साल बाद उसको मिली है, और वो एक चिट्टा वगैरह जिसे बोलते हैं उसकी ऐब ही हो चुकी थी, और वही चिट्टे की ऐब लेकर वो हमारी बेटी को साथ में लेके गई है। और जहाँ जहाँ चिट्टा मिलता है जैसे भी है किसी फ्रेंड सर्कल में कुछ भी है वहाँ चली गई, वहाँ जाके उन्होंने हमारी बेटी को भी चिट्टा पिला दिया, उन लड़कों ने भी मिलके पिलाया, और हमारी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ ठीक है जी। और जो उसकी सहेली उसको ले गई थी उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है बता? उसके साथ भी सर गलत हुआ, पता चला था लड़की ने बताया कि सबसे पहले मेरे साथ किया और बाद में उसके साथ, उसको जब डोज दे दिया ना सर उसके बाद उसके साथ किया। कितने लड़कों ने ये? सर 4 लड़के बताए गए हैं। अच्छा ठीक है जी, जिसमें जो मेन लड़का है वो है रोहित, उसको गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार कर लिया सर उसको, और गोलू और अरमान और खाऊ, ये जो लड़के हैं अभी ये 3 लड़के नहीं आए सर अभी सामने। प्रशासन से हमने बार बार बोला कि आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, प्रशासन कहती है कि अभी इसको अरेस्ट किया हुआ है, अब ये जो बताएगा वैसे करेंगे जी। सर बताएंगे जैसे एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम होने की सूचना आ रही है सर, क्या मामला है सर? एक शिकायत हमें मिली थी, तो शिकायत भी बच्ची के साथ हो है, और हमने बच्ची का तुरंत दर्ज करके अभी इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है रोहित पुत्र सुभाष को, और इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे जाके नाम आते जाएंगे वैसे वैसे खिलाफ कार्रवाई। सर जैसे बच्ची के परिवार वालों ने बताया कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, बच्ची के साथ जो इन्होंने गैंगरेप के बारे में बताया उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसी उसमें एक आरोपी को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है, आरोपी की गिरफ्तारी की पूछताछ 24 साल बाद सामने आएगी, उसके इन्वेस्टिगेशन में जो भी वो बतलाएगा, पूछताछ में जो वो बतलाएगा उसके आधार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर ये भी बताया जा रहा बच्ची को ड्रग्स नशा देकर उसके बाद उसके साथ गलत काम? फिलहाल तो ये बात सामने तो आई है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, अभी नशे वाला भी कोई नशा पिलाया है कि नहीं पिलाया है, फिलहाल तो इन्होंने जो शिकायत में इन्होंने लिखा है बिना नशा पिलाकर जो उसमें से एक लड़का है खिलाफ। सर आरोपी के खिलाफ पहले भी कोई स्नैचिंग का मामला दर्ज है सर? आरोपी के खिलाफ अभी कुछ क्लियर नहीं है, पता चला है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कोई स्नैचिंग का मामला।